तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। तो दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाए हूँ वो है इनोवेशंस के बारे में, जो कि 2018 और 2019 में हुए हैं। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इनोवेशन इस बार हुए वो ओप्पो और वीवो की कंपनीज ने किया, मिलकर किया। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इनोवेशन अगर देखा जाए स्टार्टिंग में हुआ, तो वो मल्टीपल कैमराज का हुआ। तो दोस्तों, जो मल्टीपल कैमराज में आपको जैसे कि डेप्थ सेंसिंग और टेलीफोटो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और उसके साथ साथ ऑप्टिकल जूम भी जो ओप्पो ने अभी फाइंड किया है, तो वो भी काफ़ी, मतलब कि जो 10x ऑप्टिकल जूम है वो ओप्पो ने अभी निकाला है। तो दोस्तों, ये चीज़ें मतलब कि इनोवेट हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ कैमरा ओप्पो का था, और जो पॉपअप सेल्फी आपकी जो वीवो की थी, तो दोस्तों यही चीज़ें भी काफ़ी इनोवेटिव हुई। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपका जो ओप्पो के स्मार्टफोन में 50 वॉट का चार्जर था, वो भी इनोवेट इसी बार हुआ। तो दोस्तों, इसी के बीच में ही जो शाओमी ने भी अपना एक चार्जर इनोवेट किया, जिसमें कि 100 वॉट की कैपेसिटी, मतलब कि चार्जिंग कैपेसिटी आपको मिलती थी। तो दोस्तों, जो आईफोन ने बेजललेस मतलब कि स्क्रीन देने की कोशिश की, लेकिन उसमें थोड़ी सी मतलब कि थिन एज निचली साइड रहती थी स्मार्टफोन के। तो दोस्तों, इसी को दूर किया जो ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन्स ने अपना जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म को यूज़ कर कर। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इनोवेटिव चीज़ थी इस बार की। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जैसे कि मल्टीपल कैमरास में नोकिया भी आया, जिसने कि 5 कैमराज को मतलब कि लाया। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जो सैमसंग ने फोल्डिंग डिस्प्ले भी लाया। तो दोस्तों, जो सैमसंग का फोल्डिंग डिस्प्ले था, भले ही वो मतलब कि अभी स्टार्टिंग फेज़ में, लेकिन जो इनोवेशन है वो काफ़ी अच्छी है। फ्यूचर में उसके चांसेस है कि वो ज़्यादा मतलब कि डेवलप हो जाए। तो दोस्तों, अगर कैमरा की बात ही करें, तो कैमरा में अगर आप देखें कि जो ओप्पो ने इस बार आपके लिए कैमरा में AI को ऑप्टिमाइज़ किया, तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बात है कि कैमरा में आपको AI देखने को मिलती है। भले ही जो मतलब कि वो कुछ स्टार्टिंग फेज़ में ही है अभी भी, लेकिन फिर भी जो इनोवेशन होगी और जो उसमें रिसर्चेज होगी, तो वो हमेशा मतलब कि स्ट्रॉन्ग बना सकती है AI को। और दोस्तों, जो कैमरा में या फिर किसी स्मार्टफोन में AI मिले, तो काफ़ी मतलब कि अच्छी बात रहेगी यूज़र्स के लिए। तो दोस्तों, इसी टाइप की इनोवेशन अगर आप देखें तो अब कंपनीज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दोस्तों जो इनोवेशन का टाइम है वो आ चुका है। क्योंकि दोस्तों, हर एक चीज़ में इनोवेशन आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि स्मार्टफोन्स, उसके बाद आपका जो आएगा लैपटॉप्स, और दोस्तों टीवी भी आप जानते हो कि क्या बोलते हैं आजकल के स्मार्ट टीवीज़ वगैरह भी मतलब कि काफ़ी इनोवेटिव हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर अब बात करें तो 5G आने वाला है, तो 5G भी एक काफ़ी बड़ी इनोवेशन है जो कि कंपनीज मिलकर कर रही है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा मतलब कि अगर देखा जाए तो स्नैपड्रैगन के मतलब कि प्रोसेसर को जाएगा, कि उसने मतलब कि सबसे पहले जो चिपसेट था उसको डिज़ाइन किया। और दोस्तों, ये चीज़ जो मतलब कि काफ़ी यूनिक है और काफ़ी जो इनोवेटिव है कि 5G को इतनी जल्दी लाने की कोशिश की, और जो मतलब कि सफल भी रही। दोस्तों, इस अगर साल का डिज़ाइन जो बेस्ट डिज़ाइन स्मार्टफोन मुझे लगा, तो वो जो सैमसंग का था नोट 9। तो दोस्तों, वो काफ़ी इनोवेटिव लग रहा था, क्योंकि जो लुकिंग थी उसकी काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसी के साथ साथ जो ओप्पो और वीवो ने जो मतलब कि एज टू एज डिस्प्ले लाई, तो वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी डिज़ाइन के नज़र से। तो दोस्तों, जो डिज़ाइन था इस बार काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है पहले के स्मार्टफोन से अगर आप कंपेयर करें तो। और दोस्तों, अब अगर मतलब कि नेक्स्ट चीज़ अगर आपको देखने को मिलेगी, तो नेक्स्ट चीज़ फोल्डिंग डिस्प्ले और आपको AI। और दोस्तों, इसी इन दो फील्ड में अगर काफ़ी मतलब कि चांसेस है कि इनोवेशन होगी। और दोस्तों, इसी के साथ साथ बैटरीज, जो स्मार्टफोन की बैटरीज और जो स्मार्टफोन के चार्जर्स है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस बार इनोवेशन देखने को मिले 2020 तक। ये चीज़ें काफ़ी मतलब कि डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकती है। और दोस्तों, जो चार्जिंग स्पीड थी वो भी मतलब कि वोक चार्जिंग ने और सुपर वोक चार्जिंग ने काफ़ी इजी कर ली, और काफ़ी आसानी से अब 35 मिनट्स में पूरा स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं आप। फास्ट चार्जर जो सुपर वोक है, जिसमें कि आपको 50 वॉट का मतलब कि वो मिलता है। तो दोस्तों, इसी तरह की इनोवेशन अगर कंपनीज करती रही, तो जो स्मार्टफोन्स के लिए काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। और दोस्तों, अगर एज टू एज डिस्प्ले के बाद अब देखा जाए, तो
इस फील्ड में जो स्क्रीन है स्मार्टफोन की वो आगे बढ़ेगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा देखने के लिए। तो दोस्तों इसी के बीच में मतलब कि 192 मेगापिक्सल का कैमरा भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो वो भी काफ़ी बड़ी इनोवेशन आप मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 192 मेगापिक्सल का कैमरा किसी स्मार्टफोन में देना कोई आसान बात नहीं है, और ये कर दिखाना किसी भी प्रोसेसर के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जो प्रोसेसर है अगर वो इमेज को प्रोसेस नहीं कर पाए तो काफ़ी बड़े चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए मतलब कि आज तक अभी तक कोई मैंने इस टाइप का प्रोसेसर नहीं देखा, लेकिन हाल ही में ऐसे र्यूमर सुनने को आ रहे हैं कि जो स्नैपड्रैगन है वो इस टाइप के प्रोसेसर ला रहा है जिससे कि वो कैमरा ऑप्टिमाइज हो सके। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बात रहेगी इस साल के लिए और सबसे बड़ी बात हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो साथ ही लाता रहूँगा। तब के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।